हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष। आप देख रहे हो इंडियन बड़ी यूट्यूब चैनल को, और इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ टॉप एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स अंडर 10,000 रुपीज़। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ 5 फोन्स की ही बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी लिस्ट बना के कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमने लिस्ट कुछ इस तरीके से बनाई है कि मतलब हमारे फ़ोन्स में कुछ बेसिक स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, जैसे कि 4/64 की स्टोरेज, एक तगड़ा गेमिंग प्रोसेसर, कम से कम 5000 mAh की बैटरी, और उसके साथ 18 वाट की फास्ट चार्जिंग। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने लिस्ट के 5वें नंबर के फोन की तरफ, जो कि है Redmi 10। जी हाँ दोस्तों, Redmi Note 10 नहीं, Redmi 10। इसका 4/64 वेरियंट दोस्तों आपको पड़ेगा 10,999 का। इसीलिए दोस्तों ये हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पे है, क्योंकि इसका प्राइस 1,000 रुपये ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, अगर आप 1,000 रुपये खर्च करोगे तो इसमें आपको कुछ तो मिलेगा ना। तो दोस्तों, इसमें 6.7 इंच की आपको डिस्प्ले मिल जाती है, 6000 mAh की बैटरी विद 18 वाट फास्ट चार्जिंग, स्नैपड्रैगन 680 का प्रोसेसर मिल जाएगा दोस्तों, जो नया वाला प्रोसेसर है, 6 नैनोमीटर पे बेस्ड है। इसमें आपको 50+2 मेगापिक्सल का ड्यूल कैमरा सेटअप पीछे मिल जाएगा, और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट में कैमरा मिल जाएगा। इसमें दोस्तों आपको फिंगरप्रिंट, UFS 2.2 की स्टोरेज, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट मिलेगा दोस्तों। तो अगर आप 1,000 रुपये खर्च कर रहे हो तो आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल रहे हैं, जैसे कि वाइड वाइन L1 से आप नेटफ्लिक्स वगैरह पे HD कंटेंट को मतलब देख सकते हो अच्छे से। 6000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ 18 वाट की फास्ट चार्जिंग है, तो ये भी एक बढ़िया बात है। और दोस्तों, इसमें ऐसे ही काफ़ी प्लस पॉइंट है, जैसे 50 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो अगर आप 1,000 रुपये खर्च कर सकते हो तो मैं तो कहूँगा इसी फ़ोन को लेना, लेकिन अगर आपका बजट बिल्कुल 10,000 रुपये है तो आप आगे के फ़ोन्स को देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अपने लिस्ट के 4थे नंबर के फ़ोन की, जो कि है Moto E40। इसका 4/64 वेरिएंट आपको पड़ेगा 9,999 रुपये का। दोस्तों, इसमें भी कुछ प्लस पॉइंट है, जैसे कि 6.5 इंच के डिस्प्ले के साथ 90Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है। HD+ डिस्प्ले है, लेकिन 90Hz का रिफ्रेश रेट है, तो थोड़ा सा आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। 5000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ फास्ट चार्जिंग इसमें 10 वाट की दी गई है दोस्तों, ये भी इसका थोड़ा सा डाउनसाइड है। लेकिन इसमें 48 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, यानी कैमरा और स्क्रीन इसकी थोड़ी सी आपको मतलब अच्छा एक्सपीरियंस करा देगी। लेकिन दोस्तों, प्रोसेसर के मामले में बाकी फ़ोन से काफ़ी पीछे है। प्रोसेसर दोस्तों इसमें लगा हुआ है Unisoc T700। तो दोस्तों, प्रोसेसर उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आपको ये किसी आपके मतलब फैमिली मेंबर को या किसी मम्मी पापा को गिफ्ट करना है तो ये फ़ोन उनके लिए सही रहेगा। इसमें फिंगरप्रिंट मिल जाएगा आपको, IP52 की इसमें रेटिंग मिल जाएगी, यानी कि हल्का फुल्का स्प्लैश प्रूफ, यानी पानी के छींटे वगैरह अगर इस पर पड़ जाएँ तो इस पर कोई असर नहीं होगा। तो दोस्तों, यही कुछ इसके फीचर्स हैं। बाकी हम बढ़ते हैं अपने लिस्ट के 3रे नंबर के फ़ोन की तरफ। दोस्तों, हमारे लिस्ट में जो 3रे नंबर का फ़ोन है वो है Samsung F02। तो सैमसंग लवर्स को ये फ़ोन काफ़ी पसंद आने वाला है, क्योंकि इसका 4/64 वेरियंट आपको मिलेगा 9,999 रुपये का। दोस्तों, इसमें आपको 6.5 इंच की HD+ स्क्रीन दी गई है, 5000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ 15 वाट का फास्ट चार्जिंग। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग की तरफ से 15 वाट का फास्ट चार्जर भी आपको बॉक्स में मिल जाएगा। 13 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, 5 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा दोस्तों इसका थोड़ा सा मेरे को कम लगा, क्योंकि कंपेयरली अगर आप देखें तो Moto E47 में भी आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया था। और दोस्तों, आज के ज़माने में 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, लेकिन क्या पता सैमसंग का कैमरा हो तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाए। तो दोस्तों, इसी के साथ आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 480 का प्रोसेसर, जो कि लगभग नॉर्मल टास्क के लिए सही है, गेमिंग तो नहीं कह सकते क्योंकि इसमें काफ़ी ओल्ड प्रोसेसर है ये। दोस्तों, सभी फ़ोन्स की परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहां से भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट के 2रे नंबर के फ़ोन की, जो कि है Infinix Hot 10S। इस फ़ोन की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से भी जाकर चेक कर सकते हैं। इसका 4/64 वेरियंट आपको मिलेगा 9,999 रुपये का। अगर बात करें इस फ़ोन के फीचर्स की, तो इस फ़ोन में आपको मिलेगा 6.8 इंच का HD+ डिस्प्ले, 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ Helio G85 गेमिंग प्रोसेसर मिल जाएगा, 6000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ 18W का फास्ट चार्जिंग। यानी दोस्तों, अगर आपको एक फ़ोन चाहिए जो कि गेमिंग फ़ोन हो अंडर 10,000 रुपीज़, तो ये फ़ोन आपके लिए काफ़ी परफेक्ट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों एक बड़ी स्क्रीन के साथ आपको रिफ्रेश रेट अच्छा मिल रहा है, 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिल रही है, यानी लॉन्ग गेमिंग कर सकते हैं आप। Helio G85 एक गेमिंग प्रोसेसर है, आपको पता ही है। तो दोस्तों, ये एक गेमिंग फ़ोन हो सकता है अंडर 10,000 रुपीज़। और बात करें इसके कैमरा की, तो आपको 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप मिल जाएगा, 8 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा, प्लस इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा आपको, और ग्लास बैक डिज़ाइन मिल जाएगा। यानी कि दोस्तों, आप इसको बिना कवर के भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ग्लास बैक की वजह से इस पर स्क्रैच नहीं आएंगे। और दोस्तों, सिर्फ यही एक फ़ोन है हमारी लिस्ट में जिसमें हमें ग्लास बैक मिलता है। तो इन्हीं कुछ खास फीचर्स के साथ इन्फिनिक्स हॉट 10S आता है हमारे लिस्ट में 2रे नंबर पे। अगर हम बात करें हमारे लिस्ट के 1रे नंबर के फ़ोन की, तो वो है Realme Narzo 30A। दोस्तों, इस फ़ोन का 4/64 वेरियंट हमें मिलेगा 9,999 रुपये का।
फ्लिपकार्ट अमेजन दोनों पर। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से भी जाकर चेक कर सकते हैं। अगर बात करें इस फोन के स्क्रीन की तो इसमें हमें मिलेगा 6.5 इंच का HD प्लस डिस्प्ले जो कि नॉर्मल 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसमें भी आपको हीलियो G85 का गेमिंग प्रोसेसर मिल जाएगा, 6000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ 18 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। चार्जर भी आपको बॉक्स में ही मिल जाएगा। 13 मेगापिक्सल का ड्यूल रियर कैमरा प्लस 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। दोस्तों इसमें आपको एक रिवर्स चार्जिंग का खास फीचर मिलता है जिससे आप अपने एक सेकेंडरी फोन यानी कि दूसरे फोन को भी इस फोन की मदद से चार्ज कर सकते हो। फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है दोस्तों और प्लास्टिक बैक मिल जाता है। तो यही थे कुछ फीचर्स Realme Narzo 30A के। तो दोस्तों अब आपको हमें कमेंट में बताना है कि आपको हमारी लिस्ट कैसी लगी और आपको इनमें से सबसे बढ़िया फोन कौन सा लगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।